तो क्या आप भी अपनी नॉर्मल वीडियो को एकदम वायरल वीडियो में चेंज करना चाहते हो, जिससे लोग आपकी वीडियो पूरा देखें और आपका ऑडियंस रिटेंशन एकदम हाई रहे, जिससे आपकी वीडियो काफी ज्यादा लोगों के पास शेयर हो। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बेसिकली आप एक नॉर्मल सी वीडियो अपलोड करते हो और लोग आपकी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, बिकॉज उसमें कुछ होता नहीं है, हुक लाइक भी कुछ नहीं होता। तो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी वीडियो को एकदम हाईली एडिटिंग कर सकते हो। आपने इंस्टाग्राम में भी हाल फिलहाल में काफी लोगों को देखा होगा जो बिफोर आफ्टर वीडियो डालते हैं। वो आपको किस तरह से दिखाते हैं कि उनकी वीडियो एकदम नॉर्मल होती है, बट वो एकदम हाई क्वालिटी में अपनी वीडियो बनाते हैं। साथ ही साथ उसमें साउंड इफेक्ट्स, ओवरलेस, जो भी चीज़ की वो बात कर रहे हैं उस चीज़ को दिखाना, जिससे उनकी वीडियो एक्चुअली में वायरल होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग लगती है। हाँ, काफ़ी लोग इसके लिए PC और प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं, और हाँ, उस पर काफ़ी ज़्यादा ईजी भी रहता है एडिटिंग, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको माउस का यूज़ करना है, बट इसमें आपको अपने खुद फिंगर्स का यूज़ करना है। तो मैं बताऊँगा कैसे आप मोबाइल के अंदर ईजिली इस टाइप की एडिटिंग कर सकते हो। हाँ, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, बट यकीन मानो जब आप एक बार इस वीडियो को समझ लोगे, एक बार बना लोगे, उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम अपनी वीडियो को अपलोड करोगे, आपको लगेगा इट्स वेरी इजी। ओके, मतलब इतना इजी तो हो ही नहीं सकता। तो मैं बताऊंगा आपको VN ऐप की मदद से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली ऐप है और न्यू एडिटर्स और बिगनर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। हो सकता है कि आप न्यू एडिटर ना हो, फिर भी लेकिन आपको अच्छा लगेगा ये ऐप, ठीक है। तो आप इसे प्ले स्टोर से आके डाउनलोड कर लेना, इजिली VN ऐप डालना, आ जाएगा, काफ़ी फेमस ऐप। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी ही वीडियो बनाने का अच्छी अच्छी आपके लिए। एंड हाँ, प्लीज़ लाइक करना मत भूलना यार, लाइक करना बहुत से लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड बताते हैं कि आप कैसे कर सकते हो। अपना VN ऐप को जिस टाइप से ओपन करना है, उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस होगा, ठीक है। तो इसमें आप प्लस वाले आइकन पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो इधर से आपको वीडियो एंड फोटो का ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो अपना सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको वीडियो को एडिट करना है, ठीक है। तो मेरे पास जैसे मैंने ये सेलेक्ट करके रख ली थी, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो। तो कुछ छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो है जिसे मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। हाँ, टाइम ज़्यादा लग सकता है, मैंने पहले भी बोला है और अब भी बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा आपको सिर्फ बताने में, क्योंकि मुझे खुद पुट करना पड़ेंगी वो चीज़ें आपके सामने, इसलिए। बाकी आप समझ जाओगे बहुत इजी से, मैं आपको बता रहा हूँ। ओरिजिनल से अगर आपके पास 960 जो कि आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करोगे, तो सिंपल सा आपको वो रखना है एंड वीडियो स्टार्ट करना चालू करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपनी वीडियो क्लिप को एक बार पूरा देखो, समझो कि उसमें क्या क्या है, किस चीज़ पे आप फोटोज़ लगाओगे, क्या चीज़ पे बात करी गई है, ठीक है। टाइम का यूज़ हो रहा है तो टाइम की फ़ोटोज़ लगाएंगे, वीडियोज़ लगाएंगे, ठीक है। और ये सब वीडियोज़ कहाँ से मिलेंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये मतलब बिल्कुल ही आपको मिल जाएंगी, बहुत से ऐप प्रोवाइड करते हैं, प्ले स्टोर से ही आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे मान लो आपने वीडियो चालू करी, अब जिस चीज़ की भी ये लोग बात कर रहे हैं, अगर वो चीज़ की फ़ोटो प्रोवाइड हो सकती है तो हम इस पर लगाएंगे, जिससे थोड़ा अटेंशन बढ़ेगा, ठीक है। मतलब पता चलेगा हाँ एक्चुअली मैं इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि ये थोड़ी अजीब पुरानी वीडियो, मैंने पुरानी वीडियो उठाई है, तो थोड़ा आप नई वीडियो उठाना, जैसे स्टॉक के बारे में बात कर सकते हो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, एडिटिंग के बारे में बात करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आप अच्छा यूज़ करना। अभी इनने जो बात करी है वो क्या करी है, बेसिकली आप ये वीडियो सुनोगे तो आपको हंसी भी आ सकती है। बाकी इनने ये बात करी है कि पुलिस के डंडे की बात करी है, ठीक है। तो मतलब ये पूछते कि आप सच में पुलिस के डंडे से मारते हो, तो इसमें जैसे आपको पता ही होगा ये खान सर हैं काफ़ी फेमस, ठीक है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं डंडे ही रखता हूँ, पुलिस के डंडे से मारता हूँ। तो हम कोई ऐसी एक फ़ोटो ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो फोटो ढूंढने के बाद ईजिली हम इसे क्या करेंगे, ये हमें थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है एड स्टिकर एंड PIP, तो उधर हम जाएंगे एंड हम अपनी फ़ोटोज़ में जाएंगे। तो जैसे कि देखो मेरे पास एक ये फ़ोटो मुझे मिली है, मैं इसे ऐसे पुट कर सकता हूँ, ठीक है, ईजिली ऐसे मैं पुट कर सकता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, ठीक है। तो बस इतना पुट करना है कि ये पूरे पे आ जाए, ठीक है। अभी एक और चीज़ है जो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग एडिट करते हैं तो उनके पीछे आता है, पीछे सारी फ़ोटोज़ आती हैं और वो अपना बोलते रहते हैं, ठीक है, उनकी फ़ोटो दिखती रहती है। तो वैसे भी आप एडिट कर सकते हो, वो भी दिखा दूंगा अभी। तो ये आपको फ़ोटो लगा लेनी है और ये आपको कुछ ही समय के लिए लगानी, जैसे उसकी बात खत्म होती है बस आपको उधरी तक की ये फ़ोटो रखनी है, ठीक है। तो ऐसे ही सारी बातें सुन सुन के आपको ये सब फ़ोटो पुट करनी है, ठीक है। तो मैं और एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे फिर आगे खान सर ने बात करी कि एक नेता का बेटा था, तो हम नेता की इजिली फ़ोटोज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें इधर बात करी विधायक की, तो ईजिली हम उसकी फ़ोटोज़ लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने विधायक डाला तो ये मतलब ये आ गया, तो ऐसे ही हम ऐसी फ़ोटोज़ ले लेंगे, ठीक है।
तो ये इधर तक रखेंगे जहाँ तक की बात हुई, बस वहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद उन्हें कहा कि विधायक का बेटे को मारा, ठीक है। तो वो फिर उन्हें बोला कि वो चलाया दलबल लेके। तो बेसिकली इधर गुंडे वगैरह की बात हो रही, तो हम ऐसे गैंग की कोई फोटो ले लेंगे और वो लगा देंगे इधर, ठीक है, जैसी मिली। बाकी आप अपना टाइम लेके अच्छी ढूंढना, ठीक है, मैं बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये गैंग की फोटो भी हम थोड़ी छोटी कर लेंगे, क्योंकि जहाँ तक बात हुई बस वहीं तक रखना है, ठीक है, और जल्दी जल्दी आएगा। और इसमें भी हम साउंड साउंड वगैरह लगाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ले ली। अगर आपको और कोई मतलब ऐसे ही सुन के लगता है कि इधर फोटोज़ लगाई जा सकती हैं, क्योंकि जैसे देखो इसमें तो मैंने कहा कि बहुत बोरिंग बात हुई, कि सिर्फ हंसी की बात थी, तो इतना कुछ था नहीं। काफ़ी लोग ज़्यादा समझाने के लिए टाइम वगैरह की यूज़ करते हैं, पैसे की यूज़ करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोज़ मिल जाते हैं, ठीक है। वही जैसा कि मैंने आपको बताया, पिक्सल ऐप पर, जो आप प्ले स्टोर से आके डाउनलोड कर सकते हो। तो इतना करने के बाद अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बेसिकली देख सकते हो कुछ पांच फोटो ली हैं, पांच अच्छे जो मुझे सही लगे हैं, ठीक है। तो बाकी आप जब इस वीडियो को बाद में देखोगे तो आपको भी ठीक लगेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है कि मुझे दो ओवर ले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा फिल्म वन, ठीक है, फिल्म वन ओवर ले, जो आपने बहुत सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। दूसरा हमारी चीज़ रहती है पेपर कटआउट, ठीक है। तो पेपर एस्थेटिक कटआउट बहुत से होते हैं, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये ओवरले भी यूज़ करना है हमें काफ़ी अपने सही सही समय पे। अब ओवरले यूज़ करा जाता है बेसिकली जहाँ कटआउट आता है, या फिर जहाँ दूसरी बात शुरू करी जाती है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। पेपर कटआउट वाला क्या होता है कि हम बेसिकली जब हम ये फोटोज़ लगा रहे हैं, तो हम जैसे ही ख़त्म होगी तो इसके बाद कटआउट करके ही वो इन्हें दिखा सकते हैं, जो हमारा ओरिजिनल जो बंदा बोल रहा है उसमें। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर वाला दिखाता हूँ, फिर साथ ही में कि वो कैसे लगाना है, दूसरी चीज़ जो कि हमारा फिल्म बन वाला वो कैसे लगाना है वो बताता हूँ। तो इसके लिए तो आपको क्या करना है, फिर से प्लस वाले आइकन पर जाना है, वीडियो एंड फोटोज़ पर आ जाना है। तो आप डाउनलोड करोगे तो आप जो भी मतलब आपके ऐसे होगा, ठीक है, मतलब जो भी आप सिलेक्ट करते हो उसे आपको इधर वीडियोस पे आने के बाद सिलेक्ट कर लेना है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके पेपर ट्रांजिशन आपके पास लग जाएंगे। अब इसमें थोड़ा आप आगे करोगे तो आपको ये ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही ये शुरू होता है ना पेपर मतलब कटआउट, तो आपको वहीं से इसे छोटा कर देना है। कट करने के लिए आप स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं और आगे पहले पार्ट को डिलीट कर देना, ठीक है। फिर इसे अपने इसी के आगे लगा देना, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, इसे मतलब आपके पास और भी ट्रांजिशन होंगे इसमें, तो जैसे ही आपका ख़त्म होता है बस आपको इधर से कट कर देना है, ठीक है, या फिर ऐसे आप छोटा भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ईज़िली आपका हो जाएगा। अब इसमें आप आओगे और आपको इधर क्या करना है, एक आपको क्रोमा की लगाना है। तो क्रोमा की वाले ऑप्शन में आके ग्रीन इफेक्ट को चूज़ करो और इसे फुल कर दो, ठीक है। तो आप देख लेना, जब आपका पूरा चीज़ दिख रही है तो बस वहीं तक आपको करना है और बस आपका ये पेपर ट्रांजिशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा स्लो है तो इसे आप फास्ट भी कर सकते हो। इजीली फास्ट कैसे करेंगे, स्पीड वाले ऑप्शन में जाके रेगुलर पे जाके हम बस इसे आगे कर देंगे तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। कॉपी करने के लिए आप इसे क्लिक करोगे तो ऊपर डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके सबके आगे आप चाहो तो लगा सकते हो इसे, ठीक है। और भी अलग अलग उस पेपर ट्रांजिशन थे, आप तो चाहो तो वो सारे ही पेपर ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट बता दिया है, तो ऐसे ही हम कॉपी कर लेते हैं। रही फिल्म वन ट्रांजिशन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आपको देखने में अच्छा लगेगा, तो इसमें आपको वीडियो वाले ऑप्शन में फिर से ले आना है और इधर से फिल्म ट्रांजिशन ले लेना है। तो लेने के बाद आपको बस जस्ट इसे वहीं जगह पर रखना है जहाँ आपको लगता है कि एक नई बात शुरू हो रही है, या फिर जहाँ थोड़ी बात स्टॉप हुई है, ठीक है। तो वैसी जगह आप ढूंढ के अपना ईजिली लगा सकते हो। बस जैसे ही अभी ये लगाओगे तो आप देख सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है सच में, मतलब आपने भी देखा होगा, आपको बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो जैसे ही आपके पास ख़त्म हो बस आप इसे लाओ और उधर जाके फिक्स कर दो। तो इधर से एक नई बात शुरू होगी। और इसमें आप क्या कर सकते हो, ओवरले इफेक्ट लगा सकते हो, बिकॉज ये ओवरले ही होते हैं। तो ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाना और इधर से आप ओवरले लगा सकते हो, ठीक है, और इसे थोड़ा कम कर देना, जस्ट आपका काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड इसमें एक आवाज़ भी आती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये इफेक्ट लगाने के बाद आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने साउंड इफेक्ट के तौर जा सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे और होते हैं ट्रांजिशन, जैसे पेपर कटआउट मैंने बताया और फिल्म रन बताया, इसके अलावा एस्थेटिक वाले काफ़ी होते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। बस रखने का तरीका सेम है, ठीक है, जो आपको एडिटिंग सीखना है वो मेन है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या अपना साउंड इफेक्ट लगाना है, तो आपको म्यूज़िक वाले सेक्शन में आ जाना है, जो कि अभी म्यूज़िक वाला सेक्शन दिख जाएगा। तो म्यूज़िक पर आकर आपको अपने साउंड इफेक्ट लगाने हैं। अब साउंड इफेक्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जब हम अपनी फोटो अपेयर कराएंगे तो हम लगाएंगे अपना क्लेबल साउंड, क्लिकेबल साउंड, ठीक है, जो माउस का क्लिक होता है, तो एक शॉर्ट क्लिक होता है, बाकी वो भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा।
पहले आप क्या करोगे, म्यूज़िक वाले सेक्शन जाओगे, म्यूज़िक के ऑप्शन पे जाओगे जहाँ आप माई म्यूज़िक में चले जाना, ठीक है। तो इधर से आप इंपोर्ट म्यूज़िक भी कर सकते हो और साथ ही साथ आपको माई लाइब्रेरी में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट उधर आपको ढूंढना पड़ेंगी, ठीक है। तो आप इजीली ढूंढ लेना जाके। एंड जैसे कि देखो ये माउस क्लिक वाला मेरे पास रखा है, तो मैं इसमें से सेलेक्ट करूँगा और शुरुआत के फ़ोटो में लगा दूँगा, ठीक है। तो ऐसे सही जगह पे रख लेना, जैसे ही आपकी फोटो अपीयर हो तब आपको वो साउंड इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप उसका जो माउस का है ना थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेना, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपका धीरा है तो ठीक है, बना अगर आपका तेज़ है तो कुछ ऐसा आपको करना है। इसके बाद आपको जस्ट इसे क्या करना है, डुप्लीकेट करना है एंड हर अपनी फ़ोटो के साथ लगा देना है, ठीक है। जैसे ही हर फोटो अपेयर होगी तो आपका ये साउंड आना चाहिए, ठीक है। तो आप इजीली लगा लोगे गाइस, तो इसे आप देख सकते हो एंड जहाँ जहाँ आपका हो रहा फिट वहाँ वहाँ आप लगा सकते हो, बस डुप्लीकेट करके, ठीक है। बाकी कैप्शन का अलग होगा, जब हम कैप्शन लिखेंगे तो कैप्शन की बात। ये तो रहा सिर्फ क्लिक वाला, जब हमारा साथ ही साथ एने कैप्शन आएंगे, मतलब जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा तो उसके लिए एक अलग होता है, ठीक है, वो शो होता है, तो वो वाला हम अलग से ले लेंगे जब हम अपने लिखेंगे कैप्शन। फिलहाल हम बात करते हैं कि इसमें कहीं ना क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसी बात आती है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वगैरह होती है, तो उसके लिए अलग साउंड होता है, तो वो भी मैं आपको स्क्रीन पर लिख दूंगा, वो भी आप उधरी से पिक्साबे पे जाके अपना ईजिली ऐसे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें रहीं, अब बात रही हमारी कैप्शन की, जो कि थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा है जो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी ये फोटो वीडियोस है ना, तो वो क्या होता है थोड़ा कम क्वालिटी का रहता है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, इधर फिल्टर में वाले ऑप्शन पे जाके एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आके थोड़ा बढ़ा सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बढ़ा रखा है। अगर मैं इसका आपको ओरिजिनल दिखाऊं तो वो काफ़ी ख़राब लगेगा आपको, ठीक है। देखो एक्सपोजर अगर मैं बाकी जैसा था पहले वैसा सेम कर दूँ, कॉन्ट्रास्ट सेम कर दूँ, ठीक है, सैचुरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे कम कर दूं, ठीक है। तो ये करने से क्या होता है, शार्पनेस हटा दूं, तो देखो थोड़ा वीडियो क्वालिटी अजीब लगने लगता है, बट सेम टाइम पे अगर मैंने वैसे ही आपने इससे पहले देख रहे होगे तो ठीक लग रहा होगा, ठीक है। तो बाकी से मैं कर देता हूँ शार्पनेस तो ज़्यादातर 100 रखा करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ब्राइटनेस हल्का सा और सैचुरेशन भी हल्की सी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप अपना वीडियो को बना सकते हो। आपको लास्ट चीज़ लिखनी है जो कि है कैप्शन, ठीक है। तो कैप्शन आपको वो खुद जनरेट करना पड़ेंगे, मतलब खुद लिखना पड़ेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट हैं जो ऑटो जनरेट करती हैं, बट मैं यही कहूँगा कि उस पर आप जब करने जाओगे ना तो वो भी आपकी बात इतनी ही पकड़ पाएगा, कैप्शन खुद जनरेट करने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बेसिकली आप क्या करो, एक बार टेक्स्ट लिख लो एंड टेक्स्ट लिखने के बाद जैसे एक बार ऐड सबटाइटल करो, और क्या करो ना कि इसे आप पूरे पे फैला लो, ठीक है, ठीक है, पूरे पे फैला लो। अब अपने बात के हिसाब से इसे डिवाइड कर लो, जो जो भी ये बोल रहे हैं एक लाइन में, आपको लगता है इधर लाइन में आ पाएगा उतना सही है, ठीक है। तो इतने इतना बोला, तो ये इसे हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे कुछ और वो बोलेंगे तो उसे स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। और बाद में जहाँ जहाँ टेक्स्ट नहीं है, मतलब जब हम फोटो लिखेंगे, जैसे फ़ोटो आई और फोटो पे टेक्स्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तो क्या बाद में हम इधर इसे पूरा तरह से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको करना है। तो जैसे क्या कि मैं टेक्स्ट लिख रहा था, ठीक है, जो भी इनने बोला बस मैंने उधर लिख दिया अपनी वैसे इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। और बाकी जब इधर जैसे फ़ोटो आई तो मुझे लगा कि ये बात लिखना नहीं इतना ज़रूरी है, क्योंकि इधर मैं अपना साउंड इफेक्ट भी लगा रहा हूँ, साथ ही साथ फोटो भी लगा रहा हूँ। फिर जैसे इधर ने एक नई बात चालू करी, फिर इधर से मैं लिखूंगा, ठीक है, और ये बचे हुए टेक्स्ट को सिंपल सा डिलीट कर देंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। ऐसे ही मैं अपने सारा लिखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट। फिर इस पर क्या एडिट करना है, कौन सा फॉन्ट लगाना, वो भी बताता हूँ। करने के बाद जैसे कि देखो ये मैंने पूरा लिखा है, और ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है, बट आपको एक बार लिखना है, ठीक है, और वो छोटी छोटी बातें होती हैं वो आप ईजिली लिख सकते हो, बस कुछ समय पे लिखना है तो वो लिख सकते हो, आप छोटी सी वीडियो बनाते हो, ठीक है। अब बात रही कि आपने ये अपना कैप्शन कंप्लीट करा, इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा लुक देंगे अच्छा सा, एडिट पे जाएंगे, फॉन्ट वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो, ऐड फॉन्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा मोटा फॉन्ट होना चाहिए जो दिखना चाहिए, उसमें हम येलो कलर कर देंगे, ठीक है। तो आप इधर से डायरेक्ट ही ऊपर से पकड़ सकते हो, बाकी इसमें जो कलर है ना वो पीला कर सकते हो, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। बस अब ये भी आपको ये सब पे अप्लाई करना है, थोड़ा लंबा प्रोसेस ये हो सकता है आपके लिए, वरना ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, जल्दी से मैं ये कर लेता हूँ। तो ये ऑप्शन भी आएगा ना, तो आप अप्लाई टू ऑल कर देना, तो सारे आपके टेक्स्ट है ना कुछ इसी प्रकार के हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ईज़िली आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आपके ये टेक्स्ट लिख के आने लगे हैं, तो इससे चाहो तो आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो अगर चाहो तो अपने हिसाब से, ठीक है, बस अपने हिसाब से सेट कर लेना, बाकी इतना ही है इसमें, ठीक है। और अभी क्या करना है, जैसे कि हम शुरू में ये जो मेरे टेक्स्ट अपीयर हुए ना, इस पर हम साउंड इफेक्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन आगे ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। तो इधर हम लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपेयर करोगे वो है पॉपअप साउंड इफेक्ट, जो कि आप यूज़ कर लेना है ईजिली से, ठीक है। तो इसमें जहाँ जहाँ, तो ये आपको ऐसे बड़ा करना है सबसे पहले, तो ठीक है, तो ये साउंड इफेक्ट काफ़ी कम समय के लिए है, तो पहले इसे आपको डिलीट कर लेना है वहाँ तक के लिए, तो ऐसे आप बड़ा कर सकते हो ईज़िली,
और जैसे ही आपका ये पॉपअप इफेक्ट आपको लगाना है जहाँ आपका टेक्स्ट अपेयर हो, ठीक है, तो ऐसे आप लगा सकते हो और इसे कॉपी करके अपने सारे आगे टेक्स्ट में लगा सकते हो। बस याद रखना क्योंकि ये आपका पहले आ चुका है, तो फिर जहाँ से दूसरे आपके टेक्स्ट चालू हों आपको वहाँ ये अपेयर करना है, ठीक है। एंड इतना ही सा था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए चीज़ के साथ। प्लीज़ कमेंट करना, वहाँ बोलना जो भी आपको नया चाहिए, ठीक है। तो इतना ही सा था, VN ऐप का यूज़ कर सकते हो आप काफ़ी अच्छी एडिटिंग के लिए। तो इतना ही सा था इस वीडियो में, कमेंट करना ना भूलना अगला टॉपिक, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।